कभी कभी मूर्ख लोग पूछा करते हैं हमारे जीवन में भगवान की क्या जरूरत है, ऐसा भी वे सोचते हैं कि भगवान को हम अपने जीवन में रखेंगे तो हमेशा भय लगा रहेगा, हम अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए भगवान को भुला दो। भगवान को भुला देना चाहिए, आराम से आदमी जिएगा, भगवान से डर लगता है ऐसे लोग कहते हैं। और डर जिसको रहेगा वो क्या काम करेगा, हमसे कांपता रहेगा। तो भगवान को भुला देना यह भी संभव नहीं है, कोई भुला कैसे सकता है। बंगाल में कहावत है कि एक व्यक्ति कह रहा था, एक कहावत है कि एक व्यक्ति सोचा पापी था तो उसको कुछ लोगों ने कहा कि अब तो जमराज के हवाले जाना पड़ेगा, तो सोचा कि जमराज से बचने के लिए मैं उपाय करूंगा, अपने पूरे देह में पैर से लेकर के सिर आंख तक स्टूल पोत लूंगा, मल लगा लूंगा और इतनी दुर्गंध निकलेगी कि जमराज जी भाग जाएंगे, हमको नहीं पकड़ पाएंगे। तो जो नरक में सजा होने वाली है वो सजा तुम तो पहले अपने से ही स्वीकार कर रहे हो, फिर भी जमराज छोड़ेंगे नहीं, अपने साथ दो चार सुअर लाएंगे, वे लोग सारे मल को खा जाएंगे और जमदूत पकड़ करके ले जाएंगे। तो बच नहीं सकते किसी भी तरह से। भगवान को हटा दो, मत याद करो, आराम से खाओ पियो। और कुछ मूर्ख तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान तो झगड़ा लगाता है, भगवान के कारण बहुत से झगड़े होते हैं, यह ग्रुप वह ग्रुप है, बेटर है कि भगवान को छोड़ो। हम हॉलैंड में गए थे तो कुछ लोग ऐसे प्रयोग कर रहे थे एक शब्द का, किसी चीज को छोड़ना है, जैसे मान लीजिए किसी से कोई मतलब नहीं।